हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा डबल फिलर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फोर्थ कमिंग सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि डबल फिलर का यदि कोई क्वेश्चन काफ़ी लंबा है और ट्रिकी आपको लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड्स कैसे कर सकते हैं पूरी एक्यूरेसी के साथ और कम से कम टाइम में। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है बैंकिंग एग्जाम्स में निकलने का कि कैसे आप क्वेश्चंस को पूरी एक्यूरेसी के साथ कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो ये मैं इस पूरी वीडियो क्लास में आपको सिखाऊंगा। इस पूरे वीडियो क्लास को एंड तक देखें। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, जैसे ये डबल फ्लर का एक क्वेश्चन है, और देखिए बैंकिंग में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपका लॉजिकल रीजनिंग एक्चुअली एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आप किस तरीके से लॉजिकली सोचते हैं। एग्जामिनर ये नहीं चाहता, ये आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि सारे वर्ड मीनिंग्स आपको पता हो या सारे सारे जो भी आर्टिकल हैं या जो भी क्वेश्चन है उसका मीनिंग आपको पूरे तरीके से पता हो, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सभी के लिए। तो इसलिए इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कीवर्ड के थ्रू और रेफरेंस वर्ड के थ्रू क्वेश्चंस को एक्यूरेसी के साथ कम से कम टाइम में करना है। अब यहाँ पर देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हैव सिंपली नॉट गिवन रूल्स द नेसेसरी मोमेंटम एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स दैट आर। देखिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए सेंटेंस की, और ये रीडिंग से आ सकती है, यानी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि सेंटेंस में एक्चुअली बोला क्या जा रहा है। यहाँ पर देखिए, हम बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं हैव सिंपली नॉट गिविन रूल्स द नेसेसरी मोमेंटम। स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स तो बना दिए हैं, प्लास्टिक प्लास्टिक की जो थैली होती है, प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसके अगेंस्ट, लेकिन उसको एक मोमेंटम नहीं दिया है, उसको उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स, जो प्लास्टिक आर्टिकल्स के प्रोड्यूसर्स हैं, जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं प्लास्टिक के, दैट आर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है यूज्ड, यूज्ड का मतलब है कि ये एक वर्ब है, और वर्ब से पहले यहाँ पर आपको जो भी वर्ड आएगा वो एडवर्ब के फॉर्म में होगा। वर्ब से पहले यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो एडवर्ब के फॉर्म में होगा, और एडवर्ब हम पहचान सकते हैं एल वाई से, ठीक है। तो एल वाई वाले तो इसमें सारे ही वर्ड हैं, लेकिन कौन सा वर्ड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। यूज्ड जस्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स हैव शोन लिटिल। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में हम ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स तो बना दिए हैं लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसको मोमेंटम नहीं दिया है, उसको एक गति नहीं दी है, ठीक है। और इसी को यहाँ पर एक्सटेंड हम कर रहे हैं कि शोन लिटिल स्टेट गवर्नमेंट, लिटिल मतलब लिटिल का मतलब होता है, देखिए एक होता है फ्यू, एक होता है लिटिल, तो जब लिटिल में ए और दा नहीं लगा होता तो ये निगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ना के बराबर। तो स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज यहां पर किया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने नेसेसरी मोमेंटम रूल्स को नहीं दिया है और उसने हैव शोन लिटिल। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दिखाया है, लिटिल क्या दिखाया है, बहुत कम दिखाया है, बहुत कम। लिटिल के साथ जो सही वर्ड जाएगा वो जाएगा यहां पर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कंसर्न, क्योंकि लिटिल असिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं होगा। लिटिल असिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, असिस्टेंस का मतलब तो सहयोग करना होता है। लिटिल होप, शोन लिटिल होप अबाउट देयर निगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट, मतलब प्लास्टिक की थैली का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है इसके बारे में उसने बहुत कम उम्मीद दिखाई है, यानी ये कहना सेंसलेस होगा, ठीक है। शोन लिटिल सपोर्ट, यदि यहां पर गेव होता, गेव लिटिल सपोर्ट, तो ये सपोर्ट वर्ड सही होता, मेक ओवर भी यूजलेस वर्ड है यहां पर। तो कंसर्न यहां पर आउट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स, असिस्टेंस, होप, सपोर्ट, मेक ओवर, कंसर्न यहां पर एकदम सूटेबल वर्ड है। जब सेकेंड वर्ड यहां पर सही फिट हो रहा है तो ये वाला वर्ड भी यहां पर अपने आप ऑटोमेटिकली सही फिट होगा। इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब है आवश्यक रूप से। अब देखिए आवश्यक रूप से का क्या मतलब है, यूज्ड, इनवेरिएबली यूज्ड जस्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स। प्लास्टिक के जो बैग्स हैं जिसमें हम सामान लेके आते हैं, हम किसी किराने की दुकान पर जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, उस प्लास्टिक के बैग को हम कितनी देर तक यूज़ करते हैं, कुछ मिनट्स तक हम यूज करते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं, लेकिन उसके जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं बहुत सीरियस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। तो इसलिए इनवेरिएबली यूज्ड जस्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स, उसको हम महीनों तक या सालों तक यूज़ नहीं करते,
डेफिनेटली वो आवश्यक रूप से वो केवल कुछ महीनों, केवल कुछ मिनट्स तक ही हम उसको यूज करते हैं। तो इनवेरिएबली का प्रयोग भी यहाँ पर सही है और कंसर्न का प्रयोग भी सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चन जो होते हैं बैंकिंग एग्जाम वाले, कंपैरेटिवली डबल फिलर्स या ट्रिपल फिलर के क्वेश्चन सरल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये काफ़ी ट्रिकी भी हो सकते हैं। तो मैं सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, इस तरीके से इनको करना है। आपको कीवर्ड देखना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको कीवर्ड बताया कि लिटिल के साथ क्या वर्ड आ सकता है, कंसर्न आ सकता है। कंसर्न क्यों आ रहा है यहां पर, लिटिल कंसर्न है ना के बराबर कंसर्न। ठीक है, ना के बराबर कंसर्न हम इसलिए बोल रहे हैं यहां पर क्योंकि ऊपर वाला जो प्रीवियस सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव सिंपली नॉट गिविन रूल्स द नेसेसरी मोमेंटम। यानी ये जो सेंटेंस है यहां पर वो ये प्रीवियस सेंटेंस को एक्सटेंड कर रहा है जो कि लॉजिकली सही है। ठीक है, तो कंसर्न वर्ड यहां पर आपका सही होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए यहां पर भी मैं बताऊंगा आपको ऑल द फंक्शंस। तो फंक्शंस तो नाउन है लेकिन किस तरीके के फंक्शंस की बात हो रही है वो यहां पर आएगा। यानी यहां पर एक एडजेक्टिव वर्ड आपको चाहिए। ठीक है, ऑल द फंक्शंस इंक्लूडिंग सिलेक्शन ऑफ बैंक चेयरपर्सन कंटिन्यू टू बी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यानी बैंक चेयरपर्सन का जो सिलेक्शन है वो कौन करता है, तो क्या इसको कंट्रोल किया जाता है, क्या इसको प्रमोट किया जाता है। बैंक चेयरपर्सन का जो सिलेक्शन है इसको हम प्रमोट नहीं करते, प्रमोट वर्ड यहाँ नहीं आएगा। फैसिलिटेट मतलब आसान बनाना, ये वर्ड भी नहीं आएगा। इनविजेंड बिल्कुल यूजलेस वर्ड है। ओवरलुक्ड अनदेखा करना यूजलेस वर्ड है। अब देखिए केवल बचा यहाँ पर इलिमिनेट जब आपने किया तो केवल कंट्रोल वर्ड बचा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी कंट्रोल वर्ड सही है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी कंट्रोल वर्ड सही है क्योंकि क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके सिलेक्शन, बैंक चेयरपर्सन के सिलेक्शन को कंट्रोल करती है। ठीक है, अब कंट्रोल्ड यहां पर सही है तो गवर्नेंस अपने आप सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट फर्स्ट के बारे में, फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और यहां पर आपको आंसर होगा, आपका आंसर होगा ए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहां से देखते हैं इसको। नायडू इज नाउ एंगेज्ड इन ब्रिंगिंग अप अमरावती द स्पैंकिंग न्यू कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश विच विल बी ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड, विच विल बी ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। इसके बाद कॉमा लगा है, कॉमा अगर लगा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की। ठीक है, कॉमा के बाद हम नॉर्मली प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू जो नाउन, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली आईएनजी फॉर्म की प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है। द रिलेटिवली बेटर प्लान्ड कैपिटल सिटीज ऑफ चंडीगढ़ एंड गांधीनगर अंडर नायडू, अंडर देखिए यहां पर क्या वर्ड आ सकता है कि चूंकि अमरावती जो होगी वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की होगी तो इसलिए चंडीगढ़ और गांधीनगर जो कि पहले से ही काफी हद तक प्लान्ड सिटी हैं, खूबसूरत सिटी हैं, उनको अमरावती जो सिटी है वो क्या कर सकता है, सरपास कर सकता है, उनको पीछे छोड़ सकता है। तो सरपास वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, लेकिन एक और इसमें देख लेते हैं सेकंड में क्या है। देखिए फर्स्ट यूजर ऑफ द हाइपर लूप द फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रेवल। हाइपर लूप जो है वो फ्यूचरिस्टिक मोड है ट्रेवल का, यानी हाइपर लूप वर्ड भी, यानी फ्यूचरिस्टिक वर्ड भी सही इसमें आ रहा है। जब ये दोनों सही आ रहे हैं तो तीसरा अपने आप सही इसमें हो जाएगा। देखिए हेडलाइन ग्रैबिंग यूएस बिलियनियर, मतलब वो ध्यान खींचने वाला एक शख्स है, एलोन मस्क, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, हेडलाइंस में उसका नाम आता है तो हेडलाइन ग्रैबिंग का यही मतलब है इसमें। तो यहाँ पर आपके तीनों ये वर्ड एकदम सही इसमें आ रहे हैं और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज सरपासिंग फ्यूचरिस्टिक एंड ग्रैबिंग। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए वर्ड मीनिंग्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कोई लिमिट नहीं है उनकी और अक्सर हम उनको भूल जाते हैं, पर्टिकुलरली एग्जाम में तो बिल्कुल ही हमारे दिमाग से वो निकल जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ड मीनिंग्स आपको याद हों, आप उनको रिटेन कर पाएं, लेकिन कीवर्ड और रेफरेंस वर्ड के थ्रू इस तरह के क्वेश्चंस को चाहे वो कितना भी टफ हो आप बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं।
आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस को समझने में, मैं फ्री कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर बैंकिंग एग्जाम्स के लिए और एसएससी एग्जाम्स के लिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल पर व्यू नहीं आ रहे हैं, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इस तरह की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो सकें। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, इसमें तीन ब्लैंक हैं। देयर हैज बीन डिबेट अबाउट एक्सटेंडिंग द स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आवर्स, मतलब स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं उसको एक्सटेंड करने के ऊपर एक डिबेट चलता रहा है, लेकिन वो डिबेट कैसा चलता रहा है, कैसा रहा है? डिबेट यहां पर एक नाउन है, तो यहां पर जो मॉडिफाइंग वर्ड होगा वो एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। राइट नाउ द आर्स आर 9:15 AM एंड 3:30 PM। अभी जो आर्स हैं, जो ट्रेडिंग आर्स हैं, वो 9:15 बजे से 9:15 AM से 3:30 PM तक हैं। अब देखिए, एंड से जो वर्ड रिलेट करता है दो नाउन्स को जब हम एंड से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा बिटवीन। बिटवीन सिक्स, जैसे हम बोलते हैं बिटवीन बिटवीन 10 to 6 PM, लेकिन वो टू वहां पर सही नहीं है, सही होता है बिटवीन 10 एंड 6 PM। ठीक है, तो यहां पर चूंकि एंड कंजंक्शन आ रहा है और एंड को रिलेट करने के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है बिटवीन। अब जिस भी ऑप्शन में बिटवीन दिया है वो आपका इसमें सही हो जाएगा, लेकिन बिटवीन कहां पर दिया है? सेकेंड में। अब देखिए, डी ऑप्शन में बिटवीन सेकेंड ऑप्शन में दिया है, यानी यहां पर केवल और केवल यही आंसर सही हो सकता है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने केवल यहां पर एक लिंक को देखा, ठीक है, और यहां पर मैं श्योर हूं कि यहां पर बिटवीन ही आ सकता है। मैं श्योर इसलिए हूं क्योंकि यहां पर एंड वर्ड लगा हुआ है, एंड के साथ अप्रोप्रिएट वर्ड यहां पर बिटवीन ही आ सकता है, और चूंकि मैं यहां पर श्योर हूं कि सेकेंड ऑप्शन में बिटवीन ही आ सकता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड अगर मैं देखूं ना भी तो भी यहां पर मैं कॉन्फिडेंटली सही आंसर लगा सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, इससे आपका कम से कम टाइम में पूरी एक्यूरेसी के साथ, जो सबसे बड़ी चीज है जो मैटर करती है बैंकिंग एग्जाम्स में, एक्यूरेसी, वो यहां पर आपको मिलेगी यदि इस ट्रिक को आप, यदि इस लॉजिकल रीजनिंग को आप अप्लाई करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और लेंदी क्वेश्चन है, IBPS PO का एग्जाम होने वाला है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेफिनेटली ये हाईली यूजफुल आपके लिए रहेंगे सारे क्वेश्चंस। अब देखिए, यहां पर हम सीधा आ जाते हैं। अल्टीमेटली माई ब्रदर्स गोल एंड माई गोल इज ऑलमोस्ट द सेम वेन वी कम बिफोर अ माउंटेन द वेज टू क्लाइंब इट। ठीक है, सपोज यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा, यहां से देखते हैं। टू क्लाइंब इट कैन बी डिफरेंट। सेट ताइजो, ताइजो हु वॉज नोन फॉर इज रोल इन बिल्डिंग याहू जापान एंड अ मल्टी बिलियन डॉलर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी कॉल्ड गोंगो इन 2002। देखिए, यहां पर एक ऐसा वर्ड आ सकता है जो कंपनी को क्रिएट करने से रिलेटेड हो, क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं नोन फॉर हिज रोल इन बिल्डिंग याहू जापान एंड मल्टी बिलियन डॉलर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, यानी क्रिएटिंग या इस तरह का कोई वर्ड आ सकता है जिसमें कंपनी को स्टार्ट करने से रिलेटेड एक वर्ड हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या वर्ड आ सकता है। फाइंडिंग द कंपनी हम बोल सकते हैं, नहीं। ऑरिजिनेटिंग द कंपनी हम बोल सकते हैं, नहीं। बिल्डिंग द कंपनी एक बार हम बोल सकते हैं, ठीक है। मेकिंग द कंपनी, अब देखिए सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है फाउंडिंग द कंपनी। फाउंडिंग यहां पर एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, हिज रोल इन बिल्डिंग याहू जापान एंड एंड वॉट एंड फाउंडिंग अ मल्टी बिलियन डॉलर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी, तो फाउंडिंग वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहां पर देखिए वेव, इसमें एक वर्ड दिया है तो वेव भी यहां पर सही हो जाएगा आपका। ऑन द नेक्स्ट बिग वेव, वेव भी यहां पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा ई। ये है सही तरीका क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें इसमें भी तीन ब्लैंक हैं और केवल एक लिंक आपको पकड़ना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा।
एज 2017 हैज़, थर्ड फॉर्म चाहिए यहाँ पर, थर्ड फॉर्म तो सभी में है, इट हैज़ बिकम क्लियर दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, थ्री THREE, थ्री इंटरेस्ट रेट्स राइजेस इन द 8 मंथ्स, इंटरेस्ट रेट जो है वो बड़े हैं 8 मंथ्स में। तो 8 मंथ्स के पहले यहां पर क्या वर्ड आ सकता है, यहां पर केवल और केवल पास्ट वर्ड ही आ सकता है, क्योंकि यहां पर ग्लोबल इकोनॉमी की स्ट्रेंथनिंग की बात हो रही है। तो यहां पर 8 मंथ से पहले सेकेंड ऑप्शन में केवल पास्ट वर्ड ही आ सकता है, और पास्ट वर्ड देखना पड़ेगा कहां पर दिया है, पास्ट वर्ड दिया है सेकेंड में, इसका मतलब इसका आंसर आपका जो होगा वो ई ही होगा। लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं, चूंकि इंटरेस्ट रेट बड़े हैं 8 मंथ बाय द यूएस फेडरल बैंक, फास्टर इन्फ्लेशन इन मेजर इकोनॉमीज, हायर मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडाइसिस एंड फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड आर ऑल इंडिकेटर ऑफ अ लाइकली एक्सेलरेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2017। तो यहां पर भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन जो वर्ड है ये सही होगा यहां पर, चूंकि पास सही है तो एक्सीलरेशन और प्रोग्रेस्ड वर्ड भी सही होगा। देखिए प्रोग्रेस वर्ड भी यहां पर सही है, एज 2017 हैज प्रोग्रेस्ड, मतलब जैसे 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 2017 का जो साल है वो निकलता गया है उसने प्रोग्रेस की है, वैसे वहां पर आगे का उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वर्सन नहीं हो सकता, डिमिनिश नहीं हो सकता, गेंड नहीं हो सकता, एडवांस भी नहीं हो सकता। यदि इस हिसाब से भी देखें तो प्रोग्रेस वर्ड सही है, सेकेंड ऑप्शन को यदि आप देखें तो पास्ट वर्ड बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन को आप देखें तो एक्सीलरेशन वर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ई। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है और पूरी तरीके से ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। बैंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं, जो इंग्लिश सेक्शन है, उससे आपको चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा सॉल्यूशन इस चैनल पर, इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर आपको दूंगा, प्री के लिए, मेंस के लिए और इवन डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो मेरी सारी क्लासेस आप रेगुलरली देखिए, और जो प्रीवियसली अपलोडेड क्लासेस हैं उनको भी आप जरूर जरूर देखें, डेफिनेटली इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब देखिए यहाँ से मैं बताता हूँ, लास्ट फोर्टनाइट कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु सेड दैट ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट इज ए, यहां पर क्या वर्ड आ सकता है, एक्सपोर्ट के ग्रोथ की बात हो रही है, एंड दैट हिज मिनिस्ट्री इज वर्किंग क्लोजली विद द गवर्नमेंट्स पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग टू अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप। देखिए सपोज आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और यहां पर क्या ब्लैंक्स में भरा जाएगा नहीं आ रहा है, अब यहां पर देखिए कीवर्ड स्ट्रेटेजिक रोड मैप, नीति आयोग टू, अब देखिए यहां पर टू लगा हुआ है तो टू के बाद यहां पर क्या लगाएंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे यहां पर। ठीक है, नीति आयोग टू अ स्ट्रेटेजिक रोड मैप, यानी ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, इसको बनाने की बात हो रही है। जब हम रोड मैप बनाते हैं तो उसको हम डिवाइज करते हैं, डिवाइज अ मैप, यानी यहां पर थर्ड में डिवाइज वर्ड एकदम सही होगा। हम देखिए यहां पर डिवाइस तो वर्ब ही नहीं है तो ये तो गलत हो गया, फॉर्म अ रोड मैप इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। ठीक है, फॉर्म नहीं आता, डिवाइस सही है, कंस्ट्रक्ट फिजिकल सेंस में यूज होता है, प्रिपेयर एक बार आ भी सकता है, लेकिन यहां पर जो सही जो वर्ड है वो है डिवाइस। अब डिवाइस वाले ऑप्शन देखते हैं, लास्ट फोर्टनाइट कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु सेड दैट इंश्योरिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट इज ए प्रायोरिटी। देखिए यहां पर पूरा सेंस बनना है सेंटेंस का, कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ को इंश्योर करना, कि एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो, ये उनकी गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक प्रायोरिटी रहेगी, और इसके लिए वो एक जो प्लान जो डिवाइस कर रहे हैं, नीति आयोग ने जो प्लान डिवाइस किया है उसको वो इंश्योर करेंगे। तो यहाँ पर आपका सी जो ऑप्शन है ये पूरे तरीके से यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैनी जॉगर्स एंड डॉग वॉकर्स इन द पार्क अपीयर्ड, मतलब इसमें मॉर्निंग वॉक पर जो लोग सुबह जाते हैं अपने डॉगीज को लेके घुमाने या खुद घूमने जाते हैं उनकी इसमें बात हो रही है। जॉइनिंग द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ रेजिडेंट्स बैटलिंग ऑन विदाउट मास्क, चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट एंड मैन रीड न्यूज़पेपर इन। अब देखिए मैं कीवर्ड्स करके बताऊंगा आपको कितना कठिन ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सो थिक दैट द पार्क एंशियंट इस्लामिक मॉन्यूमेंट वर,
यहां पर देखिए एक वर्ड आया है थिक, सो थिक, और यहां पर एक वर्ड दिया है इस्लामिक मोन्यूमेंट वर्क, और यहां पर विजिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि थिक जो वर्ड है ये किसके साथ लग सकता है, यहां पर क्या हो सकता है। देखिए जो कोहरा होता है, फॉग जिसको बोलते हैं, उस रेफरेंस में हम थिकनेस की बात करते हैं, हम पानी के साथ या हवा के साथ थिकनेस को नॉर्मली यूज नहीं करते, एयर के साथ कर भी सकते हैं, लेकिन थिक वर्ड को हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं कोहरे के सेंस में। और ये जो ऑप्शन है ये सेकंड में है, यानी सेकंड में फॉग या स्मॉग जो वर्ड है वो अगर हो तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए समर्स थिक नहीं हो सकते, वाटर थिक नहीं हो सकता, विंटर थिक नहीं हो सकती, रेन थिक नहीं हो सकती, स्मॉग थिक हो सकता है। स्मॉग का मतलब होता है जो 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 कोहरा स्मोक के द्वारा और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, उसमें धुआं भी होता है एक्चुअली, ठीक है। तो धुएं की वजह से जब फॉग बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्मोक, और स्मोक यहां पर एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड है, ठीक है, और बाकी के सारे इनअप्रोप्रिएट वर्ड हैं। तो देखिए मैंने इन वर्ड्स को नहीं देखा, मैंने इस वर्ड को भी नहीं देखा, मैंने केवल यहां पर लिंक लगाया यहां पर, और आई एम श्योर कि यही वर्ड इसमें आ सकता है लॉजिकली और कंटेक्चुअली, तो इसलिए इसमें आंसर जो होगा वो आपका ए ही हो सकता है। तो ये है सही तरीका और रियल तरीका इन क्वेश्चंस को करने का, जिनसे स्टूडेंट्स को नॉर्मली बहुत डर लगता है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में, प्री और मेंस में। और मेंस के क्वेश्चंस भी मैं ऐसे ही बताता हूँ, ट्रिक के द्वारा बताता हूँ, इसमें विद इन सेकेंड्स में आंसर निकाल के बताता हूँ सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। अब देखिए अगेन मैं ट्रिक से करके बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ऑल थिंग्स वर एज इन द टेम्पल एज इवन, अब देखिए यहां पर सबको समझ में नहीं आ रहा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, पास द फाउंडेशन ट्वाइस और थ्राइस बिफोर आई स्टेप्स दैट वर बिटवीन मी एंड माई रूम्स बट आई वॉज क्वाइट अलोन। देखिए यहाँ स्टेप्स क्या है, स्टेप्स एक्चुअली यहाँ पर सीढ़ियों की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, जैसे एक मंदिर की बात हो रही है, आई वॉज क्वाइट अलोन, रूम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सीढ़ियों से संबंधित वर्ड क्या हो सकता है थर्ड में, थर्ड में देखिए बिफोर आई पुट द स्टेप्स कोई सेंस नहीं बनेगा, बिफोर आई एक्सेप्टेड द स्टेप्स कोई सेंस नहीं बनेगा, बिफोर आई इनबिजिस्ट, इनबिजिस्ट का मतलब होता है कल्पना करना, बिफोर आई डिसेंडेड द स्टेप्स इससे पहले कि मैं सीढ़ियों से उतरता, यानी डिसेंडेड वर्ड यहां पर एकदम अप्रोप्रिएट है, जो कि सीढ़ियों के रेफरेंस में यूज किया जाता है। असेंड मतलब सीढ़ियों पर चढ़ना, डिसेंड मतलब सीढ़ियों से उतरना, यानी डिसेंडेड वर्ड यहां पर सही है, और इसका आंसर होगा डी। फर्स्ट एंड सेकेंड को मैंने देखा ही नहीं और यहां पर आंसर लगा दिया, ठीक है। अब आप इसको इसके ऑप्शंस लगा के देख लीजिए, बिल्कुल सही इसमें आपका आंसर बैठेगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से इस तरह के क्वेश्चंस को आप मास्टर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर भी अगेन इसमें तीन इसमें ब्लैंक हैं, और काफी लंबा सा ट्रिकी सा ये क्वेश्चन है। मदर नेचर डजेंट लैंड यू इबिन आ लगा हुआ है, इबिन आ ऑफ टैलेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग यू टू पे हर बैक, क्या मतलब है इसका। देखिए सेंटेंस का मतलब यह है कि हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो मदर नेचर है, वो आपको बिल्कुल थोड़ा सा टैलेंट भी नहीं देता यदि उसको उम्मीद ना हो कि आप उसको पे बैक करेंगे, आप वापस करेंगे। तो मदर नेचर आपको टैलेंट तभी देता है जब मदर नेचर को उम्मीद होती है आपसे, एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उसको पे बैक करेंगे इंटरेस्ट के साथ और गैटिट्यूड के साथ। तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए देखिए इवन वर्ड के द्वारा हम यहां पर इम्फेसाइज कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी मदर नेचर आपको थोड़ा सा भी टैलेंट नहीं देता यदि उसको उम्मीद नहीं है कि आप उसको उसका दिया हुआ उपहार इंटरेस्ट और ग्रेटिट्यूड के साथ वापस नहीं करेंगे। तो यहां पर स्मॉल से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, मैंने लॉजिक लगा के देखा कि यहां पर स्मॉल से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, और स्मॉल से रिलेटेड एक जो वर्ड है वो है स्मिजन। स्मिजन का मतलब है बहुत ही कम क्वांटिटी, ठीक है। और तो एक लिंक मिल गई यहां पर स्मिजन। अब देखिए यहां पर पार्डन्ड वर्ड दिया है, पार्डन्ड का मतलब क्या होता है, क्षमा करना, और दिया है मतलब इससे रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, यहां पर पार्डन से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, क्षमा करने से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए। क्षमा करने से रिलेटेड जो वर्ड है वो है एग्जीक्यूटेड, यानी इसमें ये वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल पूरे तरीके से सही इसमें हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने 10 क्वेश्चंस को इसमें एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितने भी एस्पिरेंट्स और जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वीडियो क्लास को देख रहे हैं,
प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और इस वीडियो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियो क्लासेस से फ़ायदा हो। ये पूरी तरीके से फ्री हैं और मैं सभी बैंकिंग, इंश्योरेंस और एसएससी एग्जाम्स के लिए, प्री और मेंस के लिए रेगुलरली इंग्लिश की क्लासेस को अपलोड करूँगा, जिनसे लाखों स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए इन वीडियो क्लासेस को आप ज़रूर ज़रूर शेयर करें, भूलें नहीं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।